मैं करबुक प्रेस क्लब की प्रेसिडेंट चौबान त्रिपुरा। हम लोग करबुक प्रेस क्लब की ओर से आज प्रेस मीट कर रहा है, इसलिए जैसे कि हर कोई एक व्यक्ति जानता है कि त्रिपुरा पे एक भयंकर आपदा का सामना करना पड़ रहा है सारे त्रिपुरा की वासियों। तो इसमें हम लोग ये देखने को मिला है कि किसी का सुअर, किसी का बकरा, किसी का मुर्गी और किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का बच्चे भी इस आपदा पे शामिल होके उन लोग का जान चला गया है। उनमें से ही एक व्यक्ति जिसका नाम है वीरमणि त्रिपुरा, उसका गांव कायारामपारा, उसका पोस्ट ऑफिस क्वाइफंग बाईखुरा जुलाई बरी आरडी ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। 20 तारीख पे जब बारिश हो रहा था, तब वो अपने घर से एक कुदाल और एक मछली पकड़ने का जाल लेके अपनी पुष्किनी में गया है। तो उस वक्त एक लैंडस्लाइड हुआ है उसके ऊपर, जिस कारण वो मिट्टी के अंदर दब गया। हम लोग ने खुश खबर लिया है इसके विषय में कि प्रशासन इसके बारे में क्या क्या किया है। हम लोगों को पता चला है किस तरीके को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया है, लेकिन कुछ भी बोल के नहीं गया है कि कब उसकी लाश को उठाएगा। तो गांव वाला ये कह रहा है कि कम से कम महीना दो महीना लग सकता है वीरमणि त्रिपुरा का शरीर को लैंडस्लाइड के अंदर से उठाने के लिए। तो हम लोग करबुक प्रेस क्लब ने ये सोचा है कि इस आपदा में किसी का बीवी, किसी का पति, किसी का बच्चा जरूर परिवार को छोड़ के चला गया है, लेकिन फिर भी अपनी हर कोई फैमिली अपनी अपनी डेड बॉडी को तो मिला है। तो वीरमणि त्रिपुरा मरने के बाद लैंडस्लाइड के अंदर फंस जाने के बाद उसका बीवी का कहना यह है कि उसका बीवी अदिनी त्रिपुरा का कहना है कि कम से कम उसका एक हड्डी वो देखना चाहता है। इसलिए करबुक प्रेस क्लब ने ये डिसाइड किया है कि कम से कम ये जो वीरमणि त्रिपुरा के ऊपर जो लैंडस्लाइड होके जो मिट्टी गिरा है, तकरीबन लाख टन का मिट्टी होगा उसके ऊपर जो गिरा है, उसको हटाएगा करबुक प्रेस क्लब। हम लोग ने ये कमिटी पे पास किया है। साथ ही साथ गुजारिश करना चाहूंगा हर एक भारतवासियों को, हर एक त्रिपुरा की नगरियों को कि हम लोग को आके मदद करें। ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पे जाके जेसीबी जाके वहां पे उस मिट्टी को खोदो, हर हाल में अपने हाथ से ही उस मिट्टी को खोद के निकालना पड़ेगा वीरमणि त्रिपुरा की डेड बॉडी को निकालने के लिए। तो हम लोग अगले सोमवार 2nd of September से सर्च ऑपरेशन पे हम लोग निकलेगा करबुक प्रेस क्लब, यही हम लोग ने सिद्धांत लिया है। तो गुजारिश करना चाहूंगा कि सभी भारतवासियों को और त्रिपुरावासियों को आके हम लोग को मदद करने के लिए। हम लोग वहां पे जाके खुद का खाना पीना रहने के लिए हम लोग लेके जाएगा। तो जो कुछ भी आए कृपया खुद खाने पीने की सामान लेके आने के लिए गुजारिश करना चाहूंगा। सभी को धन्यवाद।